नमस्कार दोस्तों, मैं एलके गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की चर्चा का विषय प्राइवेट डिफेंस। इस प्राइवेट डिफेंस में हम आपके सामने प्राणों की रक्षा कैसे की जाए, इसको चर्चा करते हैं। दोस्तों, आईपीसी की धारा 100 ये कहती है कि आपको अपने प्राणों का खतरा पैदा हो गया है तो आप कुछ सीमाओं के अंतर्गत यानी मर्यादा, जितना खतरा है उस खतरे को देखते हुए आप हमलावर के प्राण ले सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि खतरा कल्पना है या वास्तविक है। यदि खतरा वास्तविक है तो अपराध नहीं होगा, और कल्पना है और आपने ठीक से देखा नहीं तो आप पर हत्या का आरोप भी लग सकता है और आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसलिए कानून ने आपको अधिकार दिया है, लेकिन उस अधिकार का प्रयोग आपको परिस्थितियों के अनुरूप करना है। आपको यह देखते हुए करना है कि क्या हमें किसी की हत्या करने की परिस्थिति पैदा हो गई है। धारा 100 ये परिस्थितियां भी बताती है जिनमें आप किसी व्यक्ति के प्राण ले सकते हैं, यानी हमलावर की हत्या कर सकते हैं। यदि आपको 7 परिस्थिति पैदा हो गई हैं, इन 7 के अलावा नहीं, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति यानी हमलावर जो हमला कर रहा है आपकी हत्या कर सकता है। नंबर 2, आपको लगता है कि हमलावर आपको गंभीर चोट पहुंचा सकता है और वो चोट आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आपको लगता है कि हमलावर बलात्कार करने का प्रयास कर रहा है। आपको लगता है कि हमलावर प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा यानी गलत काम करने का प्रयास कर रहा है। नंबर 5, किसी का अपहरण किडनैपिंग, अपहरण करके ले जाना चाहता है, अपहरण करने का प्रयास कर रहा है। नंबर 6, आपको ऐसी जगह बंद करना चाहता है सदोष परिरोध कि आप पुलिस अधिकारियों की सहायता न ले सकें, अपने आप को छुड़ा न सकें, ऐसी परिस्थितियों में हमलावर आपको बंद कर रहा है। 7, आप पर एसिड फेंक रहा है, अम्ल फेंक रहा है, तेजाब फेंक रहा है या फेंकने का प्रयास कर रहा है जिसे गंभीर चोट आ सकती है, क्रूप हो सकते हैं। आप स्वयं का और किसी दूसरे का इन परिस्थितियों में बचाव करते हुए, सेल्फ डिफेंस करते हुए हमलावर के प्राण ले सकते हैं। ये अधिकार कानून आपको देता है। हर व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी रहती हैं कि कानून के भय से लोग बचाव नहीं करते हैं, लेकिन कानून राज्य आपको सशक्त करता है, आपको ये अधिकार देता है कि आप अपनी स्वयं रक्षा करें। इस तरीके से समाज में आप अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं और हमलावरों से अपने आप को बचा सकते हैं।
यहां मैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आपके सामने रखना चाहता हूं जिनसे हम इस धारा को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया, ससुर ने पत्नी को भेजने से मना कर दिया, पति जबरन खींचकर पत्नी को ले जाने लगा, तब साले ने देखा कि मेरी बहन को जबरन उसकी इच्छा के विरुद्ध पति खींचकर ले जा रहा है, तो चाकू से साले ने हमला कर दिया। कुछ दिन बाद बहनोई की मृत्यु हो गई। तब न्यायालय ने यह माना, सारी परिस्थितियों को देखते हुए, कि पति अपहरण करके ले जा रहा था और उस व्यक्ति को अपनी बहन के अपहरण का खतरा पैदा हो गया, इसलिए उसने बचाव में उसकी हत्या कर दी, जायज माना और उसे दोष मुक्त कर दिया गया। दूसरा उदाहरण हरजिंदर सिंह बनाम करनाल सिंह का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए यह विचार व्यक्त किया कि एक अभियुक्त पार्टी अपने खेत पर गई और मृतक पार्टी भी अपनी खेत पर बचाव में गई, तब अभियुक्त पार्टी ने यह समझा कि दूसरी पार्टी उस पर हमला करना चाहती है, इसलिए उन्होंने दूसरी पार्टी को खदेड़ा और 30 से 40 राउंड गोलियां उन पर दागी, कई लोगों की मृत्यु हो गई। तब न्यायालय ने यह विचार किया कि जो अभियुक्त पार्टी थी उसने आवश्यकता के अनुसार गोलियों का प्रयोग नहीं किया था, उसने अत्यधिक मात्रा में गोलियां चलाई और यह उसकी सीमा से बाहर था। अगर उन्हें डिफेंस करना था, आवश्यकता थी एक गोली दो गोली जितनी गोलियां चलाई, लेकिन उन्होंने अनावश्यक रूप से 40 राउंड किए। तब न्यायालय ने यह माना कि उन्होंने अपनी सीमा का उल्लंघन कर दिया और वो हत्या के दोषी हैं। ऐसे लोग जो सीमा से बाहर जाते हैं उनके लिए दंड का प्रावधान है। धनेश्वर महाकद बनाम उड़ीसा राज्य का मामला, इसमें अभियुक्त पार्टी अपनी खेत पर गई और दुकान बनाने लगी, मृतक पार्टी उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन अभियुक्त पार्टी ने उन पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया और उनकी कई लोगों की हत्या कर दी गई, और अपने बचाव में यह कहा कि मृतक पार्टी हमला करना चाह रही थी, खतरा पैदा हो गया था, हमने अपने बचाव में कुल्हाड़ी को उछाला जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अभियुक्त पार्टी ने उन पर केवल आसन खतरा न पैदा होने के कारण, यानी उन्हें खतरा नहीं था फिर भी हमला कर दिया, उनकी एविडेंस से ऐसा परिस्थिति या ऐसी कोई चोट अभियुक्तों के नहीं थी जिससे ये माना जाए कि उन्हें खतरा पैदा हो गया। उन्होंने कई बार कुल्हाड़ी से उन लोगों पर किए तो अपनी सीमा का उल्लंघन करके उनकी हत्या कर दी, उनके बचाव को विश्वसनीय नहीं माना, ऐसी स्थिति में उन्हें दोषी माना।
शिव प्रसन्न सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार किया, एक ड्राइवर ट्रक चलाते हुए ले जा रहा था, रोड पर सो रहे दो लोगों की उसने कुचल करके हत्या कर दी। भीड़ ने रोकने का इशारा देने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर ने ट्रक को रोका नहीं और उस भीड़ पर भी चढ़ा दिया, कई लोगों की उस भीड़ में से हत्या कर दी, कई लोगों को कुचल दिया गया। यानी दो लोगों को रोड पर सोते हुए को मारा और उसके बाद रोकने का प्रयास किया तो उनको भी मार दिया। ड्राइवर ने अपने बचाव में यह कहा कि अगर मैं ट्रक को रोक लेता तो भीड़ वो मुझे मार देती, मेरी पीट पीट कर हत्या कर देती। न्यायालय ने माना कि यह ठीक है, कई मामलों में भीड़ ने हत्या कर दी, लेकिन यह बचाव कोई सामान्य नियम नहीं है। इस बचाव से किसी को ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो भागते हुए लोगों की मृत्यु कर दे और लोगों को कुचल दे, इससे अधिकार नहीं मिलेगा। इसे सामान्य रूप से नियम बनाया जाना उचित नहीं है। तब ड्राइवर को हत्या कारित करने का दोषी माना गया। ऐसी स्थिति में ये निर्णय मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इनसे हम समझ सकते हैं कि हमें किन परिस्थितियों में अपने बचाव में किसी व्यक्ति की हत्या करनी है या उस सीमा में रह करके हमें कार्य करना है। अगर सीमा से हम बाहर चले गए तो वो अपराध भी होगा। आपको गहराई से सोचना है और अपना बचाव करना है। इसके साथ ही धारा 100 मैंने ये रखी है, इसके साथ धारा 101 आईपीसी ये कहती है कि अगर ये परिस्थितियां नहीं है जो मैंने अभी बताई हैं, तब आप मृत्यु करने के अलावा किसी व्यक्ति को कोई चोट पहुंचा सकते हैं, कोई गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। पहली परिस्थितियों में आपको हत्या करने तक का, हमलावर से बचने के लिए उसके प्राण लेने तक का अधिकार दिया, लेकिन वो परिस्थितियां नहीं है तब धारा 101 ये कहती है कि आप उतनी चोट पहुंचाइए जितनी बचाव के लिए जरूरी है, तब आपको अपराध में अभियोजित नहीं किया जा सकता, आपके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता। इस तरीके से आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। यदि कोई बात, कोई प्रश्न क्लियर करना है या कोई प्रश्न पैदा होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें और मेरे वीडियो और YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।